आज हम आपको MI4 का फोल्डर निकालना बताएंगे जी। ठीक है, करीब से पहले हम इसके ऊपर हल्की सी हीट देंगे, जिससे ये फोल्डर जो है हमारा कैबिनेट में से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ से ये अलग हो गया। ठीक है, अब हम इसकी टच और डिस्प्ले दोनों अलग अलग करेंगे। ये जो फोल्डर है देखिए, पहले हम इसको यहाँ पर ऐसे करके सेट करते हैं इस टाइप से। फिर उसके बाद ये हमारा, हम इसको आगे पीछे कर कर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इस टाइप से। पहले हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब हम इसकी मशीन को सेट करेंगे। एक सौ दस पर, अब जब तक के यहाँ पर अभी 32 है, यहाँ पर 110 नहीं आ जाता है जब तक कि हम अपना वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर 33 आ गया, यहाँ पर 110 है। ठीक है, देखिए छूकर इसको देखेंगे, ये धीरे धीरे हमारी मशीन जो है गर्म पड़ रही है, यानी कि ये हमारी मशीन जो है वो अपना वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग देखेंगे अब हमारी कितनी हुई है, 65। अभी हमारी 65 हुई है। हमारा इतना हीट हो गया है कि हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए बोलिए। ये देखिए, ये हमारी डिस्प्ले जो है वो निकल गई है। ये देखिए, अब हम इसका धीरे धीरे ग्लू छुटाएंगे।
ये देखिए हमारा जो है ग्लू वो छूट रहा है। ये ग्लू छुटाने के बाद इसको हम इसके ऊपर हम अलग से दूसरा टच लगा सकते हैं। ये देखिए ये देखिए लोगों की समझ में आ